बहुत ही बहुत ज़्यादा जो बर्निंग टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी, उसका भाग दूसरा लेके आए हूँ जो आप लोग के प्रैक्टिस को और ज़्यादा अच्छा बना देगा। इसी उद्देश्य से मैं मेल इनफर्टिलिटी और आयुर्वेद की चिकित्सा, वो भी सफल चिकित्सा, ये बताने के लिए आया हूँ। तो पहले ना मेल इनफर्टिलिटी को आयुर्वेद कैसे देखता है, पहले मैं वो बताऊँगा। जो मैं आपको नोट्स बताऊँगा वो शायद आपको कोई भी नहीं देगा, मतलब जो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए पहले ये देखते हैं कि बाजीकरण जो हमें करना है तो वह द्रव्य कैसा होना चाहिए, क्लैब्यता क्या होता है, नपुंसकता क्या होती है, जो पुरुषों से रिलेटेड है वह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बाजीकरण द्रव्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि यद द्रव्यम पुरुषम कुर्यात बाजी वत् सुत्शयम सुरत क्षमम तद बाजीकरण में क्या था मुनिर्विशेषा बरे ही। इसका मतलब यह है कि जो द्रव्य जो है पुरुष को घोड़े के समान, बाजी जो शब्द है इसको दो शब्द में देखते हैं, एक तो घोड़ा देखते हैं या फिर बैल देखते हैं, तो जो पुरुष घोड़े के समान मैथुन करने की शक्ति उत्पन्न कर देता है वे सारे द्रव्य जो रहते हैं वो वाजीकरण कहते हैं, ऐसा मुनियों ने या श्रेष्ठ चिकित्सकों ने बता दिया है। और ये भी आज नहीं, जब सतयुग था तब बता दिया है, तब वहां पर भी। और क्या होता था कि मेल इनफर्टिलिटी आज कलयुग में हो रहा है ठीक है, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि एक राजा की बहुत सारी स्त्रियां होती थी, मतलब और वो राजा जो थे वो कोई भी जाते थे और मतलब कोई राजा को बंदी बना लेते थे और उन तो फिर वो छुड़ाने के लिए अपनी बेटी से वो राजा से शादी कर देता था। तो इस तरह से फिर वो संबंधी बन जाते थे और इस तरह से पहले होता था। तो एक राजा की बहुत सारी स्त्रियां होती थी, तो उस टाइम पे बाजीकरण द्रव्यों की जरूरत पड़ी क्योंकि क्लैब्यता नपुंसकता तो आएगा ही, पुरुष जो आज है पंचभौतिक शरीर आज है वो पहले भी था। तो इसलिए बाजीकरण द्रव्यों का योजना क्या है, जो पुरुष को घोड़ों की तरह जो मैथुन करने की शक्ति हो जाए, हॉर्स पावर बढ़ा दे, वो सारे द्रव्य बाजीकरण कहलाते हैं। उसी तरह से क्लैब्यता क्या होती है इसके बारे में क्या अपने ग्रंथ बताते हैं, यह मैं चरक सुश्रुत वाग्भट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ वो आप लोगों को उपयोगी रहेगा। मैं वही चीज बताऊंगा जो आप लोगों के लिए उपयोगी है, जो मेरे प्रैक्टिस में काम आता है वही चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि क्लिबह स्यात् सुरता शंकस तद्भावक क्लैब्यम उच्यते तत् सप्तविधम प्रोक्तम निदानम तस्य कथ्यते। क्लैब्यता जो रहता है मैथुन करने की शक्ति का अभाव, मतलब मैथुन में अशक्तपना, वीकनेस आना, जो भी इंटरकोर्स कर रहे हैं क्वाइटस करने के टाइम पे जो पुरुषों का जो सेक्सुअल पावर है वो वीक हो जाना, वीकनेस आ जाना, उसको क्लैब्यता बोलते हैं। नपुंसकता नहीं बोलेंगे उसको, वीकनेस बोलेंगे, यह क्लैब्यता रहता है। यह 7 प्रकार का है, इसका निदान आगे कहेंगे। अब क्लैबस्य निदानम, यह बहुत जानना बहुत जरूरी है। और जो मैं बता रहा हूँ ना यह ग्रंथों का है, मैं अभी कोई ऐसा मॉडर्न पैथोलॉजी वगैरह में जो आयुर्वेद कहता है वह मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो क्लैबस्य निदानम ये चरक सुश्रुत वाग्भट का नहीं है, मैं बाद में इस ग्रंथ का नाम बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा ग्रंथ एक्सप्लोर करके आप लोग के सामने प्रकट किया। मेन बात है कि मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। क्लैबस्य निदानम ऐसे बता रहे हैं कि तैस्तर भाव हृदयस्तु रिरंसो मनीषते ध्वजा पातेस्तु नृणम क्लैब्यम समुपजायते द्वेषस्त्री संयोग क्लैब्यम तन्मासम स्मृतम। मतलब ये होता है कि मैथुन करने की इच्छा है लेकिन वह कुछ कारणों से मैथुन करने में असमर्थ होता है। ये आप ऐसे पेशेंट आप लोगों के प्रैक्टिस में जरूर आते हैं कि वो करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, और उससे ध्वज जो रहता है उसका पेनिस जो रहता है उसको ध्वज बोला है शब्द, वह शिथिल हो जाता है, वह लूज पड़ जाता है। इसी कारण से मनुष्यों में नपुंसकता आती है और ये भी टेम्पररी टाइप का नपुंसकता रहता है। इसी कारण से वह स्त्री से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। आप लोग के प्रैक्टिस में भी ऐसे पेशेंट आते होंगे, ऐसे कपल्स आते होंगे कि स्त्रियां बोलती हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरे से कर नहीं पाते, इनको स्त्री द्वेष हो गया है। क्यों? क्योंकि क्लिप्तता है, नपुंसकता है, असली में वो पूरी तरह परमानेंटली नपुंसक नहीं है लेकिन क्लिप्तता है, मैथुन करने में असमर्थता है। जब भी वो मैथुन करने चाहते हैं तो फिर उनको वीकनेस आ जाती है, शुक्र जल्दी निकल जाता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है या सेक्स फटीक होता है, वो ना द्वेष करते हैं, ये काम करना ही नहीं चाहते। और आईटी सेक्टर में जो लोग आते हैं इतना थके हुए रहते हैं तो उनको ना ये लॉस ऑफ लिबिडो टाइप सिम्टम रहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। इसी तरह ऐसी मनुष्य नपुंसकता को मानस नपुंसकता बोलता है, मतलब यहाँ माइंड से रिलेटेड जो नपुंसकता आती है इसको मानस नपुंसकता कहते हैं। इसके बाद में बोल रहे हैं कि कुछ खान पान में भी क्या गड़बड़ होती है, तो ऐसे बता रहे हैं कि कटु काम्ले सलवणे रति मात्रों पर सेवित ही, मतलब अगर बहुत ज्यादा कटु रस प्रधान चीजें खा रहे हैं, गरम मसालों का सेवन बहुत ज्यादा करें, मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हैवी मतलब इतना ज्यादा गर्म खा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर देखेंगे विदर्भा में जो खाते हैं जो देगी मिर्च रहता है कालापुरी मिर्ची, वो इतना ज्यादा खाया जाता है
नागपुर साइड में, और एक तो वहाँ हीट भी रहती है नागपुर में, और वो विदर्भा एरिया में, मतलब वो लोग उसके, ऐसा नहीं कि सभी लोग नपुंसक है, ऐसा नहीं है, मैं बस ये कट्टू रस के बारे में बता रहा हूँ। वो लोग और भी द्रव्य खाते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनका खान पान वैसा बैलेंस है, लेकिन मैं कट्टू रस के बारे में बता रहा हूँ, इतना मिर्ची रहता है कि कान से जलन होने लगती है, आंख से आंसू होने लगता है। तो यह अत्यधिक कट्टू रस प्रधान आहार का सेवन करना, अत्यधिक अम्ल रस का, जो बहुत ज्यादा टोमेटो सॉस खाते हैं, बहुत ज्यादा सॉस, फिर चिली सॉस, फिर लाल मिर्ची पाउडर बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खट्टे चीजें, बहुत ज्यादा विनेगर का प्रयोग करना, जो भी अम्ल रसात्मक। अब ये अम्ल रसात्मक का आप लोग देखिए कि आसपास लोग खट्टा चीज क्या खा रहे हैं, उसी तरह से नमक वाले चीज ज्यादा खा रहे हैं। जो लोग लवण रस प्रधान पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह अति प्रमाण में खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि पित्त प्रकोपित हो जाता है, बॉडी में हीट बढ़ जाती है, और वह शुक्र का नाश करता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, यह होने के लिए कोल्ड चीज चाहिए। अब यही चीज है कि जो लोग टाइट जीन्स पहन के बैठे रहते हैं और वहां पर गर्मी रहती है, तो इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता, तो जो एजोस्पर्मिया होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है, और फिर टेराटोस्पर्मिया होता है, बहुत सारे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स आते हैं, ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो हेतु जानना बहुत जरूरी है कि ये क्यों हुआ है, शुक्रशय क्यों हुआ है, क्लिभता क्यों आया है, नपुंसकता क्यों आया है, क्यों ये जान, जब तक हम हेतु पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग चिकित्सा कितना भी वृक्ष दवाइयां दीजिए, लेकिन वो हेतु सेवन अगर होते रहेगा तो वो पुरुष को कभी भी संतान प्राकृतिक रूप से नहीं होगी, फिर IVF के पास जाना पड़ेगा। और ये पुरुष लोग जो है ना, वह बहुत ज्यादा शर्माते हैं, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि उनमें पुरुषत्व की कमी है, वह लोग ओपन नहीं होते ये सब बातों को बताने के लिए। लेकिन हम लोग चिकित्सक हैं, उनको पहले अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और फिर उसके बाद में हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें, क्योंकि क्या है कि जैसे वकील होता है, वकील को हर बात मालूम होनी चाहिए कि उसने क्या गलत किया है, उसका जो क्लाइंट है उसने क्या गलत किया है, कोई अच्छा किया है, तो वकील अच्छे से उसको मतलब जज के सामने प्रस्तुत कर सकता है उसके बचाव में। उसी तरह से जो CA रहते हैं, उनको हमारे फाइनेंशियल जो भी है वाइट मनी उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, कि तभी वो फिर हमारा टैक्स बचा सकता है। उसी तरह से हम जो डॉक्टर है ना, उसको हर बात जानना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, कैसा खाना पीना है। तो इसीलिए मैंने जो आप लोगों को केस शीट भेजा है, वह आप लोग भराइए और उस पर चिंतन करिए कि पेशेंट का क्या खान पान है, कि ऐसा उसको एजियोस्पर्मिया हो रहा है, शुक्रशय हो रहा है, क्लिबता आ रहा है, नपुंसकता आ रहा है, क्यों हो रहा है, इसको हेतु पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इसी तरह से एक और बता रहे हैं कि ये नपुंसकता जो रहती है, पहला वाला बताया कि मैथुन करने में असमर्थ होता है, और इरेक्शन ही नहीं होता है, ध्वज भंग, ध्वज शिथिल रहता है, भंग भी नहीं, भंग मतलब इरेक्शन हुआ फिर उसके बाद में लूज पड़ा, यहाँ पे इरेक्शन का ही प्रॉब्लम है, इरेक्ट ही नहीं हो पा रहे। तो ये जो होता है लिंग शिथिल होना, ये पहले नहीं पूछ सकता है, टोटल 7 टाइप का ही बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कि आहारात्मक, वो ज्यादा कटु अम्ल लवण रस का सेवन कर रहे हैं, पित्त का प्रकोप होता है, और उसकी वजह से जो नपुंसकता क्लिबता आती है, क्लिबता का मतलब है कि सेक्सुअली वीक होना, यह जो होती है ये दूसरा टाइप का होता है। तीसरा बता रहे हैं, ये मैं जो 7 टाइप बता रहा हूँ, इतना डिस्क्राइब करके कोई भी आपको वैद्य नहीं बताएगा। आज भी वेबिनार हुआ इस पे वाजीकरण पे, लेकिन किसी ने इतना डीप में नहीं बताया, उन्होंने 4-5 योग बताए और ये बताया कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये हमारे काम का चीज नहीं है। हम, मैं चाहता हूँ कि आप सारे वैद्य लोगों को हर चीज मालूम हो, और आप लोगों को काम है, इसलिए मैंने इतना मेहनत करके ये सारा नोट लाया। तीसरा बात बता रहे, और मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, मैंने ये ठीक किया, वो किया, मैं चाहता हूँ कि आपकी तारीफ ना पूरी दुनिया करे, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर तीसरा तरह का नपुंसकता है, वो ये है कि पित्ता शुक्रशयो दृष्टा क्लैब्यम तस्मात प्रजायते अति वैवाहशीलो योन सच न च वाजी क्रिया रता। जो पुरुष अत्यधिक मैथुन करता है, इतना ज्यादा मैथुन करता है, इतना ज्यादा करता है, और वीर्यवर्धक वाजीकरण द्रव्यों का सेवन नहीं कर रहा है, उसका शुक्र क्षय होते 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 बहुत ज्यादा क्षय हो जाता है, और उसके वजह से जो ध्वज भंगता होती है, इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, अति शुक्र का क्षय। अब इसी को हम लोग मॉडर्न व्यू में देखेंगे, आज के जमाने में क्या हो गया कि जब से जियो ने 1.5 GB का डेटा देना शुरू कर दिया है, लोगों के पास बहुत ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड है, तो लोग ना उस जो टेक्नोलॉजी मिली है उसको अच्छे काम में नहीं लगाते हैं, बुरे के तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, तो पॉर्न वीडियोस खोल दिया जाता है रात को, एडल्ट वीडियोस देख ओपन कर लिया जाता है, जबकि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो साइट हैं या एडल्ट साइट उस पर बैन किया है, लेकिन तब भी कभी ना कहीं तो निकल ही जाता है। और आप लोगों को पता है शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है राज कुंद्रा जी, वो इसी के मामले में फंस गए हैं, उनपे केस चल रहे हैं, वो यही बिजनेस है, करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा था उनका, रोज का उनका कमाई जो हो रहा था वो करोड़ों में हो रहा था, क्योंकि
अब करोड़ों में वो कमा किस रहे, क्योंकि डिमांड है वैसा, समाज में वैसा डिमांड है। तो और क्या है कि भारत में पोर्नोग्राफी देखना ये गुनाह नहीं है, वो चलाना, बना के कंटेंट को प्रचार प्रसार करना और वेबसाइट बनाना ये गुनाह है, देखना गुनाह नहीं है। तो लोग जो है वो फ्री में मिल रहा है इतना गंदा गंदा चीज, तो गंदगी ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्योंकि अब इसी पर हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बोला है कि जो हमारी शक्ति है ना, मतलब मनुष्य शरीर है, उसका अगर ऊर्ध्वगामी रहा तो यौगिक शरीर मिलता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर वो अधोगामी हुआ तो जानवर की तरह, पुरुषों मतलब पशुओं की तरह प्रवृत्ति हो जाती है। और जैसे जो पशु रहते हैं उनकी क्या रहती है प्रवृत्ति, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है कि हम लोग ना ज्ञान विज्ञान कर्म इन सब पे करने के लिए आए, और पशु लोग को देखेंगे एनिमल्स को तो वो लोग क्या करते हैं, खाने पे उनका ध्यान रहता है, मैथुन पे ध्यान रहता है, बस यही में जिंदगी बीत जाती है। कोई भी जानवर को ये देखेंगे, प्रजनन करना, मैथुन करना, खाना खाना, बस सो जाना, निद्रा, इतना ही रहता है। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारे शरीर में, अगर ऊर्ध्वगामी रहती है तो हम लोग आध्यात्मिक उन्नति होती है, अगर अधोगामी रहती है तो पाश्विक होती है। और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि आप नियम से मैथुन करिए, अपनी पत्नी के साथ करिए, और वो भी लीगली संतान उत्पन्न करने के लिए करिए, बाकी टाइम पे शुक्र का शय नहीं करना है। जितना शुक्र रहेगा उतना आपका आयु अच्छा रहेगा, उतना आप व्याधि क्षमत्व बढ़ा रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। तो जो ये मनुष्य जो है ना, ये मैं सभी लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि जो लोग पॉर्न वीडियोस देख के, जो अधोवृत्ति पाशविक पशु की तरह कुछ भी चीज देखते रहते हैं उल्टा पुल्टा, उनका अति मात्रा में शुक्र क्षय हो जाता है, और उसके वजह से और वाजीकरण द्रव्य का भी सेवन नहीं कर रहे हैं, तो उनमें नपुंसकता जो आ जाती है टेम्पररी टाइप की, उनका ध्वज मतलब पेनिस जो है इरेक्शन ही नहीं होता है, ये तीसरे टाइप की नपुंसकता होती है। उसके बाद में चौथी नपुंसकता है कि ध्वज भंग ववापनौति स शुक्र क्षय हेतु कहा, मतलब महान लिंग के रोग होते हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, या फिर कोई और भी कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे फीमेल पार्टनर जो है, जो बहुत सारे जैसे कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो रेड लाइट एरिया में जाके आते हैं, और वहां पर जो स्त्रियां होती है प्रोस्टिट्यूट होती हैं, वो लोग मल्टीपल पार्टनर के साथ देह व्यापार होता ही है, रोज का रोज 50 रुपये दे दिया चलो करके आओ, 100 रुपये दिया करके आओ, तो वहां से जो बीमारी लेके आते हैं, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, तो इसके वजह से जो जख्म हो जाता है लिंग पे, इसके वजह से वह शुक्र नहीं निकल पाता, रास्ता ब्लॉक हुआ रहता है, पूरा इन्फेक्टेड रहता है। एक तो मेरे पास पेशेंट रहते थे वो रेड लाइट एरिया में, उनके जाने की आदत थी, उनको एक अपनी पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत रोज उनको आदत था कि चार पांच स्त्रियों के साथ उनको करना है, खाना पीना भी अच्छा था, नॉनवेज वगैरह खाना था, दूध पीना था, और उनको किसी ने अश्वगंधा के टैबलेट शिलाजीत वगैरह दे दिया, उनकी आदत थी कि रेड लाइट एरिया में जाना है। जब वो मेरे पास आए ना तो वो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है जो एलोपैथी के डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपना पेनिस दिखाया, पूरा सड़ गया था, पूरा मतलब डैमेज ही हो गया था पूरा, इतना ज्यादा सिफिलिस का इन्फेक्शन फैल गया था, और वो असाध्य अवस्था में थे। तो ऐसे मेरे पास पेशेंट है, मैंने उनको दवाई दिया लेकिन उनको भरोसा नहीं था, उन्होंने 1-2 हफ्ता लिया फिर छोड़ दिया, लेकिन मैंने ऐसे पेशेंट देखे, ये मुझे अनुभव आया। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि उपदन शादी होने की वजह से जो नपुंसकता आती है, ये चौथी टाइप की मेल इनफर्टिलिटी रहता है। उसके बाद में पांचवी जो नपुंसकता है, ये आप लोगों को मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, अभी वेबिनार हुआ उसमें इतना डिटेल में नहीं बताया गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोगों का प्रैक्टिस में उपयोगी पड़े, आप लोग ये रिकॉर्डिंग बाद में भी देखेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा कि आप लोगों का डायग्नोसिस अच्छा होगा, इस तरह से आप सोच पाएंगे, इस तरह से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट देने में इजी जाएगा। इसलिए पांचवी नपुंसकता क्या बोल रहे हैं कि महता मेड्र रोगे न चतुर्थो क्लेबताम भवेत वीर्यवाही शिरा छेदान मेहानुनतिर भवेत, मतलब वीर्यवाही शिराएं जो रहती है वो अगर कट जाती हैं, इंजुरी हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से हो गया, या फिर वेरिकोसील का ऑपरेशन करा रहे हैं, हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा रहे हैं, उस टाइम पे कट गया या इंजुरी हो गया, किसी ना किसी तरह से वीर्यवाहिनी नड़, या फिर ऊपर से जंप मारा, चोट लग गया, किसी ना किसी तरह से वीर्यवाहिनी जो सिराएं हैं वह कट जाती हैं, और उसके वजह से जो लिंगोत्थान नहीं हो पाते उसको बोलते हैं पांचवी नपुंसकता। आप लोगों को मालूम होगा कि जब इमरजेंसी लगाया गया था भारत में, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की, और संजय गांधी ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, इमरजेंसी लगाया गया जब वो पूरा काला अध्याय था, उस टाइम पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए
एकदम हिटलर की तरह पुरुषों को पकड़ पकड़ के वैसेक्टॉमी कर दिया जा रहा था, मतलब जबरदस्ती उनके वीरवाहिनी ये शिराएं हैं उसको काट के नपुंसक बनाया जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो ये जो नपुंसकता आ जाती है जिसमें वीर ही नहीं पास हो पाए, निकल ही नहीं पाए, वो नपुंसकता वो तो कृत्रिम रूप से किया जाता था, और ये कृत्रिम रूप से ही होता है। तो कट जाना मतलब उसमें इंजुरी होना, यह भी नपुंसकता है, ये पांचवी टाइप की नपुंसकता होती है। इतना अत्याचार तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती है कि पुरुषों को पकड़ पकड़े वैसेक्टॉमी कर दो जबरदस्ती, ये तो गलत बात है जो इमरजेंसी में हुआ था। उसके बाद में छठवीं नपुंसकता जो रहती है पुरुषों में वो क्या रहती है, बलिना शुद्ध मनसो निरोहात निरोधात ब्रह्मचर्यता षष्ठम क्लैव्यतम क्लैव्यम स्मृतम तत्तु शुक्र स्तंभ निमित्तकम। मतलब क्या होता है कि बलवान पुरुष का मन मैथुन इच्छा से शुद्ध हो गया है, मतलब उसको सेक्स नहीं करना है, उसको शुक्र नहीं निकालना है, और वो बलवान पुरुष है, जैसे युद्ध में कोई सैनिक जा रहा है या फिर कोई साइंटिस्ट है, वो इतना ज्यादा डिवोटेड है कि उसको केवल साइंस पे ही ध्यान है, उसको मैथुन की इच्छा हो ही नहीं रही है, उसने अपने आप को पूरी तरह से उसमें डिवोट कर दिया है। कोई सैनिक है वो युद्ध कर रहा है, या फिर कोई एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में रिसर्च कर रहा है, उसका मैथुन से इच्छा ही नहीं हो रही है, वो शुद्ध हो गया। और दूसरा है कि ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य इतना ज्यादा पालन कर लिया, तो जिस तरह से डिस्यूज एट्रोफी होता है, कोई जैसे मैंने अपना हाथ को हिलाया नहीं, मैंने इसको ऐसे ही रखा, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, फिर एट्रोफिक चेंजेस आएंगे, ये सूखने लगेगा पूरा। उसी तरह से अगर मैथुन हुआ ही नहीं है, मतलब शुक्र निकला ही नहीं है, जिसको हम हीन योग बोलेंगे, केवल अपने काम 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 में रहे, अपने वर्क में इतना रहे कि शुक्र निकला ही नहीं है 10 साल 20 साल, तो वहां क्या होगा, फिर वो सूखने लगेगा। तो उसकी वजह से या फिर ब्रह्मचर्य पालन इतना ज्यादा किया है कि पूरी जो कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की तरफ चला गया है, तो वह मैथुन नहीं कर पाता है, या फिर मैथुन की इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसे जो वीर अवरोध जन्य नपुंसकता होती है, जो मैंने कहा ना डिस्यूज एट्रोफिक, इस तरह से वीरवाहिनी नाड़ियां जो रहती है वह शुक्र बनाती है, लेकिन उसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है, वह इंटेलिजेंस की तरफ वो जा रहा है, वहां पर वो जो शुक्र निकलने का कार्य है वो पूरा बंद ही हो गया, इसको हम हीन योग बोलेंगे। ऐसा जब होता है तो वो छठवीं टाइप की नपुंसकता होती है। ऐसा मैं नहीं बताता हूँ, ग्रंथ बता रहे, कौन सा ग्रंथ है ये सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसी तरह से एक और नपुंसकता होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सातवीं टाइप की, ऐसे बताते हैं जन्म प्रवृत्ति यत क्लैव्यम सहजम तद्धि सप्तमम। मतलब जो जन्म प्रवृत्ति आसक्ति आदि जो नपुंसक होते हैं, जो हेरिडेटरी या माता पिता के बीज दोष से उत्पन्न हुआ, या वो नपुंसक ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे सहज नपुंसकता जो रहती है वो सातवीं प्रकार की नपुंसकता होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो डिल्डो रहते हैं, DIDLO नपुंसक जो रहते हैं, उनको स्त्री का भी रहता है, मतलब नपुंसक ऐसे रहते हैं कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी रहेगा, वजाइना भी रहेगा, यूट्रस भी रहेगा, उनको मेंसेस भी आते हैं, और उनको पुरुषों का भी रहता है, मतलब पेनिस भी रहता है। तो वो लोग का ना, लोग ना सेक्स के बाजार में बहुत ज्यादा उनका मार्केट रहता है, जो स्त्रियों से नहीं मिलता वो उनसे, ऐसा मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि उनका ज्यादा डिमांड रहता है, उनपे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, मतलब उनको अगर लेके जाते हैं जो डिल्डो रहते हैं, तो वो नपुंसक जो रहते हैं वह कभी भी पुरुष मतलब पिता नहीं बन सकते हैं। ऐसे पुरुषों के जो नपुंसकता रहती है उनमें शुक्र निकलता ही नहीं है, शुक्र निकल देगा तो पानी निकलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का केवल सिक्रीशन निकलेगा, उनमें इरेक्शन वगैरह सब रहता है, लेकिन वह पिता नहीं बन सकते हैं। ऐसे जो नपुंसक रहते हैं और उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट रहते हैं, एक्सेस एक्सेस ऐसे जो रहता है, तो ये जो है वो सातवीं नपुंसकता। इसका मतलब ये है कि अपने आचार्यों को नपुंसकता, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट ये सब मालूम था, उन्होंने संस्कृत में लिख के चले गए। अब इसके बारे में बोल रहे हैं कि असाध्य क्लैब्य लक्षणम, असाध्य अगर क्लैब्यता रहेगा तो क्या लक्षण रहते हैं, तो ऐसे बता रहे हैं कि असाध्यम सहजम क्लैब्यम मर्मा छेदत यद भवेत साध्यानम अवशिष्टा नाम कार्यो विभाजी करो विधि। जो स्वाभाविक रूप से मूलतः क्लैब्य ही है, नपुंसक ही है, जैसे कि करण जौहर को देखेंगे वो नपुंसक ही है, उनकी चिकित्सा नहीं हो सकती है, वो असाध्य हैं, उनको कोई भी मेडिसिन करिए, कोई भी आप ट्रीटमेंट करिए, सर्जरी करिए, वो नहीं बन सकते। और दूसरा है मर्म छेद से उत्पन्न क्लैब्यता, जैसे वेरिकोसिल का कंडीशन रहता है, फोर्थ डिग्री का वेरिकोसिल हो गया, उसमें पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड में स्पिंडल टाइप बन गया, ऐसे च्युइंगम की तरह चिपक गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चिपक गया, तो वह लोग नहीं हो सकते हैं। मर्म का छेद हो गया, कोई सर्जरी के टाइम पे इंजुरी हो गया, वो लोग नहीं बन सकते हैं। और बाकी जो साध्य क्लैब्य हैं उनको वाजीकरण विधि से हम लोग साध्य कर सकते हैं। तो हम लोग की चिकित्सा का जो टॉपिक है वह साध्य क्लैब्यता को ठीक करना है,
जो 7 दिन हैं मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं उनको ही हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। अब क्लैब्य से चिकित्सा, क्लैब्य की चिकित्सा क्या होती है? तो क्लैब्यानाम यह साध्यानाम कारो हेतु विपर्या मुख्यम चिकित्सितम यस्मा निदान परिवर्जनम। इसी को माधव निदान में क्या बोला है? संक्षेपतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम। मतलब सबसे संक्षेपतः क्रिया योग क्या रहता है चिकित्सा में? निदान का परिवर्जन, जो हेतु का सेवन किया जा रहा है उसको पूरी तरह से बंद कर देना, यही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। अब जो लोग पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं और उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, मैथुन में असमर्थ है, तो उनको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना है और उनको अष्ट प्रकार का मैथुन, मतलब स्त्रियों से छुप छुप के बात करना, स्त्रियों से फ्लर्ट करना, स्त्रियों को छुप छुप के देखना, स्त्रियों को मोहित होना, स्त्रियों के साथ खेलना, स्त्रियों के साथ गंदी बातें करना, ये 8 तरह का जो मानसिक मैथुन रहता है, मानसिक, इसको अष्ट मैथुन बोलते हैं, इसको पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। और इंद्रियाणाम न लालयेत न पीड़यत, इंद्रियों को बहुत ज्यादा भोग विलास में नहीं रखना है और इंद्रियों को पीड़ा दे के भी नहीं रखना है। शुक्र वेग अगर आ रहा है बहुत ज्यादा जोर से तो निकल जाने दो, मध्यम रास्ता रहने दो, निकल जाने दो, मन शांत हो जाएगा। इंद्रियाणाम न लालयेत न पीड़यत। और निदान परिवर्जनम, वो चीज में जाना ही नहीं है जो रास्ता हमारा है ही नहीं, उधर क्यों जाना है? अगर हम लोग अच्छा चीज चाहते हैं, स्वस्थ बॉडी रहना चाहता है, ओज रहे, हमारा इंटेलिजेंस अच्छा रहे, जितना शुक्रवान रहेगा उतना वो इंसान इंटेलिजेंट रहेगा, उसमें उत्साह रहेगा। ऐसा बताते हैं कि अगर ओजस्वी और शुक्र शुक्र अगर हमें चेक करना है तो इंसान कितना उत्साहित है उससे ही हम लोग जान सकते हैं। अगर शुक्र क्षय हुआ रहता है तो आप लोगों ने देखा है कि ओज क्षय के लक्षण में बताया कि बिभेति दुर्बलो दुर्बल इंद्रिय व्यथित इंद्रिय, ऐसे सब बताया है कि जो लोग का शुक्र क्षय हुआ रहता है वो नजरें नहीं मिला पाते हैं, मतलब वो घबराते हैं, एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और वो हर समय गिल्टी फील करते हैं। जो लोग एक बार मास्टरबेट करते हैं, शुक्र निकाल देते हैं, उनको दूसरे दिन पूरा दिन खराब जाता है, उनको वीकनेस रहता है, मानसिक भी शारीरिक भी, और उसके बाद में रात को फिर जाते हैं तो फिर से वही काम करेंगे। तो ये लोग ना बहुत ज्यादा जो अति शुक्र क्षय करते हैं ना, उनका निदान परिवर्जन करना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। वाजीकरण में केवल वाजी वृष्य दवाइयां दे दिया, टैंक भर दिया और आप रोज करो, यह चिकित्सा नहीं रहती है, उन निदान परिवर्जन करना ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। उसके बाद में बता रहे हैं कि उसके विपरीत चिकित्सा करना है। अगर शुक्र क्षय हो रहे तो शुक्र का संचय हो, शुक्र शरीर में रहे, बने, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा हो, उसकी चिकित्सा, यही चिकित्सा होती है। इसके बाद में बता रहे हैं क्लैब्स से चिकित्सा एवं वाजीकरण विधि, जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, सब लोग वेबिनार में आते हैं वो अपना तारीफ करते हैं लेकिन वो आप लोगों को क्या यूजफुल है वो चीज़ नहीं बताते हैं। जो विधि जो बताइए आचार्यों ने वो मैं आप लोगों के पास बता रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट संडे को और बताऊंगा आप लोगों को, फॉर्मुलेशन भी बताऊंगा, लेकिन आज जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। इसमें बता रहे हैं कि क्लैब्स से चिकित्सा एवं वाजीकरण विधि किस तरह से करना है। चरक सुश्रुत वाग्भट आप देखेंगे तो उसमें बहुत हाई लेवल का बताया कि माहिष का घी लाना है, उसमें ये अंडा डालना है, उसमें ये डालना है और वो दो, ये जबकि पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा प्रोसेस बनाया जाए। मैं जो जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इसमें बता रहे हैं कि नरो वाजीकरण योगा सम्यक शुद्धो निरामय तप्त्यंतम प्रकुर्विता वर्षा रुद्वम तु षोडशात। नपुंसक मनुष्य जो है उसको सबसे पहले वाजीकरण योग देना है, उसके पहले वमन कराना चाहिए, फिर विरेचन कराना चाहिए। वमन और विरेचन से कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है और शाखागत जो दोष रहते हैं वह कोष्ठ में आके जो विकृत दोष है वह निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, सारा कचरा निकाल दिया हमने शरीर में, डिटॉक्सिफाई कर दिया, अग्नि प्रदीप्त हो गई, उसके वजह से क्या होगा कि रस की अग्नि अच्छी हो जाएगी, रक्त की अग्नि अच्छी हो जाएगी, मांस में अस्थि मज्जा शुक्र की अग्नि अच्छी हो जाएगी। तो धातु परिपोषण क्रम, एक तो रास्ता हमने अच्छा कर दिया वमन विरेचन करके, पित्त बढ़ने की वजह से अगर नपुंसकता थी, वात बढ़ने से अगर थी, तो हम बस्ती दे के, वाजीकरण बहुत सारी बस्तियां हैं उसको दे के हम लोग वायु का भी शमन कर देते हैं। कफ को निकालना है तो वमन, पित्त को निकालना है तो विरेचन, और वात को निकालना है तो अस्थापन बस्ती या अनुवासन बस्ती दे के हमने वायु का शांत कर लिया, ये पहले है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि ये जो वाजीकरण है, जो हम शुक्र बढ़ाने की चिकित्सा कर रहे हैं, 16 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको ही देना चाहिए और 70 साल के अंदर ही करना चाहिए। 70 साल के बाद वालों को अगर हमने वाजीकरण दवाइयाँ दी तो वह उनको नुकसान करेगा, क्योंकि वार्धक्यावस्था रहती है उसमें शुक्र रहना चाहिए। आपने वाजीकरण दवाइयाँ दी 24 घंटे वह केवल सेक्सुअल इच्छा में ही रहेगा और पॉर्न वीडियोज की तरफ जाएगा या गलत काम करके शुक्र निकालेगा।
तो 16 से 70 साल की उम्र में यही एज ग्रुप में हमें वाजिकरण द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। बाकी टाइम पे 70 साल के बाद वाले लोगों को रसायन चिकित्सा या यापना चिकित्सा, यापन बस्ती, रस का प्रीणन किस तरह से हो, शरीर कैसे टिके रखे, उस तरह की चिकित्सा करना है। और 16 साल के पहले के बच्चों को अगर वाजिकरण दवाइयाँ दे दिया, अपने स्वर्ण मकर ध्वज वगैरह दे दिया और उनको पता चल गया कि ये सब चीज़ भी होता है, तो वह और शुक्रे निकालेंगे और फिर गैंग रेप और फिर टीजिंग, मोलेस्टेशन, बहुत सारा ये काम करेंगे जो समाज को दूषित कर सकता है। इसलिए डॉक्टर को नियम है कि 16 से 70 साल के पुरुषों को ही वाजिकरण दवाइयाँ देनी है। अगर ये जो डॉक्टर फॉलो करते हैं उनको पुण्य मिलता है, अगर ये फॉलो नहीं करते हैं केवल पैसे के लिए गलत काम करते हैं, तो वो उसके जो पेशेंट है वो जितना पाप करेगा वही पाप के भोगदार, मतलब भागीदारी ये वैद्य को भी होता है, इसलिए ये नियम करना है। दूसरा बता रहे हैं कि न चैव षोडशा षोडशाद्वार के सप्तयाता परतो न च आयुष्गमो नरः स्त्रीभिः संयोगम कर्तुम अर्हति। मतलब आयु को चाहने वाला 16 साल के पहले 70 साल के बाद मैथुन न करें, स्त्रियों का संयोग न करें, यह अगर जिंदा रहना है और अच्छे कर्म करना है। क्या होता है कि डॉक्टर अरविंद पाठक कोई काम कर रहा है तो लोग कर्म के हिसाब से जान रहे हैं, अगर मैं बुरा काम करूंगा, टेररिस्ट बन जाऊंगा, रेप करूंगा या फिर मैं किसी को दुख दूंगा, तो मुझे कर्म से ही इंसान जाते हैं, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप लोग भी मर जाएंगे, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, तो इसीलिए ये बता रहे हैं, नहीं तो व्यभिचार होता है, गलत काम होता है। तो इसलिए 16 साल के पहले नहीं करना है और 70 साल के बाद नहीं होना है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे आज भारत सरकार भी बैन लगा दी है, इतने सारे पार्लियामेंट से कानून पास किए गए हैं कि 16 साल के पहले जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उस पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए, वैसे काम करने वालों को या करवाने वालों को जेल हो जाता है और उनको जुवेनाइल कोर्ट स्पेशल बनाई है और रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है। जो बच्चे ये काम करते हुए पाए जाते हैं या जो करवाए जाते हैं उन पे तो गुनाह दाखिल होता है। राज कुंद्रा जी को देखिए, जेल हो गया है, अभी उन पे केस चल रहे हैं और बहुत सारी धाराएं लगाई हैं। तो ये इसीलिए बोला है कि 16 साल के पहले और देश में जो भी कानून बनते हैं वो समाज को एक टिकाए रखने के लिए बनते हैं, वो कानून को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे जो आज के लोग हैं, समाज जिन्होंने समाज को संभाल रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा बताया कि 16 साल के पहले और 70 साल के बाद स्त्री संभोग करना, स्त्रियों का सेवन करना, ये सब वर्ज्य है। कोई भी बुढ़ा आदमी है, आसाराम बापू जैसा, गुरु के आसन पे बैठा है और वो रेप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और वो गुरु बैठा है, गुरु बन के ये काम कर रहा है, या कोई स्वामी है कोई वो ऐसा काम कर रहा है, ये गलत है, ये समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कितना भी बेगुनाही को साबित करने के लिए गलत गलत काम करे, लेकिन ये जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। उसी के बाद में बता रहे हैं कि क्षय वृद्धा उपसंध्या रोगाश्चातिव दुर्जया आकरण मरणम अकाल मरणम वा स्याजत भयजत स्त्रिय मन्य था। मतलब 16 साल के पहले और 70 साल के बाद स्त्री सेवन करने वाले जो लोग करते हैं उनको क्षय रोग हो जाता है, राजयक्ष्मा की बीमारी होती है, इसी को मॉडर्न में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। मतलब अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय तो होगा ही होगा, अग्निमंद हो जाएगा और उनको अंड वृद्धि हो जाएगी, मतलब हाइड्रोसिल हो जाएगा, उपदंश हो जाएगा, अगर वो लोग वही वही काम करने लगे जो उनकी उम्र नहीं है उस टाइम पे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आजकल जो पॉर्न वीडियोस के पहले जो चलाया जाता है एक वार्निंग दिया जाता है कि छोटे बच्चे इसको ना देखें, बिफोर 18 ईयर्स डोंट सी दिस कंटेंट, ये इसका नियम है, ये मानना चाहिए। जो लोग ये नियम मानते हैं, अभी क्या है कि सिगरेट के ऊपर भी लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे लिख के फिर सिगरेट बेचा जाता है। इसी तरह से पोर्नोग्राफी के जो वीडियोस रहते हैं उस पर लिखा जाता है बिफोर 18 ईयर्स डोंट सी दिस, वो करके फिर वो दिखा क्यों रहे हैं, वो इतना एक्सपोजर क्यों हो रहा है, ये बात जो है वो दो तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आप पूरी तरह से बैन कर दीजिए, इस चीज मत करिए। और जो चाइना वगैरह जो है कंट्रीज, वो चाहते हैं कि भारत के लोग जो हैं, दुश्मन देश के लोग ये चाहते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो शुक्र क्षय के रहे, जितना वो कमजोर रहेंगे तो उनपे विजय प्राप्त करना बहुत इजी जाएगा, इसलिए वो धड़ल्ले से ये चीजें डाल रहे हैं। पहले के जमाने में आप वैदिक युग का टाइम देखेंगे तो वैदिक जो बताया गया है उसमें बताया गया कि भारतीय लोग जो वैदिक काल के लोग थे, भारत के लोग थे, वो ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, उनको कोई बीमारी नहीं होता था, वो युद्ध करने जाते थे तो वो शूरवीर थे बहुत ज्यादा, डिसीजन पावर अच्छा था, बिजनेस करते थे तो, और भारत में था इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहलाया। वो भारत के लोग इतने ओजस्वी थे, इंटेलिजेंट थे, विद्या में सबसे आगे था भारत, पैसे में सबसे आगे था, बिजनेस में आगे था, भारत पे कोई शत्रु देश अटैक नहीं कर सकता था और भारत हर तरह से संपन्न था।
जब क्या हुआ कि जब, और इसीलिए भारत पे नजर हुई कि इतना गोल्ड है यहाँ पर, तो वहां पे लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल करो, और फिर अटैक होने शुरू हुए, और यहाँ का पूरा जो हिंदू धर्म था, शिक्षा पद्धति, उसको नष्ट किया गया। और संस्कृति नष्ट करना है तो विद्या, शिक्षा को नष्ट कर दो, और फिर मंदिरों को नष्ट कर दो, इस तरह से अटैक किया गया। तो वो बात अलग बात है, लेकिन वैदिक युग में सब लोग शुक्रवान होते थे, और मतलब ज्यादा दिन तक जीते थे, कोई व्याधि नहीं होता था। इसलिए बोल रहे हैं कि 16 साल के पहले और 70 साल के बाद ये सब नहीं करना चाहिए, ये बता देना है, नहीं तो उपदंश आदि भयंकर व्याधि होती है, हाइड्रोसिल, अंडवृद्धि हो जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जो मम्स हो जाता है, या फिर उपदंश होता है, गोनोरिया होता है, एड्स होता है, ये सारी बीमारियां होती है इसीलिए। और अकाल मृत्यु भी हो जाती है, जो लोग शुक्र शय ज्यादा करते हैं उनका ओज भी, हृदय में जो रहने वाला 8 बिंदुआत्मक ओज है वो भी नष्ट हो जाता है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इसीलिए। और दूसरा बताया है कि रात्रिचर्या जब भी हो, मतलब रात्रिचर्या में ही मैथुन करना चाहिए, सुबह सूर्योदय के, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में मैथुन क्रिया नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, आचार्य बताते हैं। स्त्री सेवन अगर करना है तो रात के टाइम पे ही होना चाहिए और अंधेरे में ही होना चाहिए, ऐसा आचार्य लोगों ने नियम बताया। उसी तरह से वाजीकरण योग्य नर कौन से हैं, इंडिकेशन बता रहे हैं, तो विलासिनाम अर्थवताम रूप यौवन शालीनाम नराणाम भो भार्याणाम विधिर वाजी करो हिता स्थविराणाम निरु रिरंसु नाम स्त्रीणाम बालभ्य मिच्छताम योषित प्रसंगात क्षीणा नाम क्लिबा बाला मल्परेतसाम हिता वाजीकरहा योगहा प्रत्यपत्य बल प्रदाहा एते पुष्ट देहा नाम सिव्या कालाद्यपेक्षया। मतलब जो लोग भोग विलास की जिंदगी बिता रहे हैं, बॉर्न विद ए गोल्डन स्पून, ऐसे लोग जो हैं जिनके पास बहुत पैसा है, भोग विलास की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को ये वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। जो कष्टकारी मेहनत मजदूरी करता है, जो मजदूर वर्ग है, और जिसके पास पैसा नहीं है स्त्री सेवन करने का, उनको ये नहीं देना, नहीं तो वह और शुक्र क्षय हो जाएगा, उसी काम में रहेगा तो उसका काम धंधा बंद हो जाएगा, वह फिर गलत काम करेगा। तो विलासी लोग जिनके पास पैसा है और जो लोग का मैथुन करने की इच्छा है, वो लोग सामर्थ्यवान है, उन्हीं को वैद्य के लिए नियम है कि उन्हीं को वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए, धनवान लोगों को। फिर रूप और यौवन से संपन्न अति स्त्रियों को रखने वाले जो लोग हैं, जिनका काम ही है, मतलब जैसे राजा महाराजा हो गए, जिनकी बहुत सारी रानियां हैं, तो उन लोगों के लिए वाजीकरण। आजकल मुस्लिम लोग हैं वो राजा हैं इस्लाम धर्म वाले, क्योंकि उनके जो जो पैसे वाले हैं उनको अलाउड है कि 4 शादियां करें, अगर वो अपनी हर वाइफ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो गलत होगा, अगर उनकी शादी हुई है, निकाह हुआ है 4 स्त्रियों के साथ, तो उनके उन ऐसे लोगों को देना चाहिए। हिंदू धर्म, जब हिंदू मैरिज एक्ट जब पास हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया है 1968 में, तो उन्होंने एक नियम बता दिया कि हिंदू पुरुष एक ही शादी कर सकता है, अगर दूसरी शादी करेंगे तो तुरंत जेल हो जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है, और किसी में नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा है कि हिंदू पुरुष केवल एक ही शादी कर सकता है। तो ये तो जो ज्यादा स्त्रियों को रखने वाले लोग हैं, स्त्रियों के साथ रहने वाले लोग हैं, उनको वाजीकरण द्रव्य देना जरूरी है। फिर मैथुन होने पर भी, वृद्ध होने पर भी मैथुन की इच्छा रखने वाले हैं और वो अपने आप को संभाल सकते हैं, वो लोगों को वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। फिर स्त्रियों के प्रिय होने वाले, जो मतलब स्त्रियां जो हैं वो नफरत करती हैं, क्योंकि शुक्र क्षय बहुत ज्यादा होता है तो स्त्रियों को वो चीज नहीं मिल पाता है, तो अगर उनको प्रिय होना है और वो लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, संयमी हैं कि स्त्रियों को खुश रख सके, उन लोगों को वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। फिर स्त्री प्रसंग बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से क्षीण हो गए, कमजोर हो गए, उन लोगों को वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। अल्प वीर्य की वजह से जो नपुंसक मनुष्य हो गए, उन लोगों को वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। इन लोगों के लिए ही वाजीकरण हितकर है, और वाजीकरण योग का प्रयोग करने से स्त्रियों में इच्छा हो जाती है उनको। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लोग शुक्र वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, स्त्री स्त्री की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगती है, तो जो लॉस ऑफ लिबिडो वाले पेशेंट है, हम चिकित्सक हैं, हम यहाँ पर पॉजिटिव चीज समझ के देख रहे हैं, जिनको लॉस ऑफ लिबिडो और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और उनको स्ट्रेस है, मेंटल प्रॉब्लम है उनको बहुत ज्यादा चीज, और डिप्रेशन में रहते हैं, उन लोगों को हम वाजीकरण द्रव्य देने चाहिए। उसी तरह से संतान बहुत अच्छे होते हैं, बल बढ़ जाता है, अगर आप जैसे स्वर्ण मकरध्वज वगैरह देंगे तो जो कमजोर इंसान है, आंखों के नीचे गड्ढा छाया हुआ है और बहुत ज्यादा वीकनेस है, वह लोग अगर स्वर्ण मकरध्वज जैसी चीजें खाते हैं तो बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं, उनका छाती का ये आकार बढ़ जाता है, चेस्ट बढ़ जाता है, मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स अच्छे हो जाते हैं, वह बोलने में अच्छे सामर्थ्यवान हो जाते हैं, उनमें डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाता है, तो शारीरिक बल भी बढ़ाना है, ऐसी इच्छा रखनी है तो उनको भी वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए, ऐसे इंडिकेशन बताया है। उसी तरह से वाजीकरण योग को समय अनुसार
पुष्ट शरीर वाले जो हैं उनको ही देना चाहिए और वही सेवन करें। जैसे कि हेमंत ऋतु आ रहा है, शिशिर ऋतु आ रहा है, ठंडी का काल आ रहा है, और उस टाइम पे लोग जैसे क्रिसमस की छुट्टियां मनाते हैं, और उनको वो चीज़ चाहिए, उन्हीं लोगों को वाजीकरण द्रव्य का सेवन कराना चाहिए। अब इसमें कुछ बता रहे हैं वाजीकरण योगा, हाँ कौन से मेडिसिन रहते हैं वाजीकर रहते हैं वो बता रहे हैं। तो भोज्यानि भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च वाच श्रोत्राभिरामश्च त्वचः स्पर्श सुखास्तथा यामिनी सिंदुस्तिलका कामिनी नव यौवना गीतम श्रोत मनोहारी ताम्बुलम मदिरावृज स्त्रजा गंधा मनोज्ञा रूपाणी चित्राणि उपपवनानि च मनसश्चाप प्रतिघातो वाजीकुर्वन्ति मानवम। अब इसमें बता रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरह के पौष्टिक चीजें जो रहती है, जो सबसे जो मुर्गी का अंडा जो रहता है वो वृष बताता है, वो शुक्र बढ़ाता है। तो अलग अलग तरह से पौष्टिक अन्नपान बनाना चाहिए हमें। नक्र रेतस जो रहता है, मतलब घड़ियाल का जो शुक्र रहता है वो भी शुक्र बढ़ाता है। उसी तरह से बकरे का जो टेस्टिकल होता है वो भी शुक्र बढ़ाता है। अगर हम लोग जैसे कपी कच्चू का बीज है, मुसली है, शतावरी है, अश्वगंधा है, यह भी बहुत ज्यादा शुक्र बढ़ाते हैं। ऐसे जो वाजीकर द्रव्य हैं यह शुक्र बढ़ाते हैं। उसी तरह से पीने वाले भी जो चीजें रहती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आजकल ये ड्रग्स रैकेट चल रहा है ना, तो जो मैरिजुआना जो प्लांट है इंडिया में बैन है, यहाँ पर ये सब यूज नहीं होता है, लेकिन जो मैरिजुआना पहले चलता था यहाँ पर, राजीव गांधी की सरकार ने मतलब साइन कर दिया, यूएन में जाके संयुक्त राष्ट्र में जाके साइन कर दिया कि इंडिया में बैन होगा, लेकिन वो मैरिजुआना जो है वो आयुर्वेदिक दवाई है। जो लोग ड्रग्स करके आजकल पकड़े जा रहे हैं ये आयुर्वेदिक दवाई है, और आप इतिहास में देखेंगे तो पेन किलर के रूप में इसका यूज होता था, वाजीकरण के लिए यूज होता था, और भंगा जो है मॉर्फिन वगैरह इन सब का यूज वाजीकरण के लिए होता है। यह शुक्र धातु को अच्छा बनाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और जन्नत का सुख प्राप्त होता है। तो ऐसे लिक्विड में डाल के वो सारे चीजों का प्रयोग पहले होता था, उस आधार पे ये बताया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रग लीजिए, लेकिन मैं बस एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण जो है मैरिजुआना का, मॉर्फिन का, भांग का, वो जो दृष्टिकोण है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसी तरह से अब स्त्रियों के बारे में बता रहे हैं, और अपनी पूरी ऋतुचर्या में वाग्भट जी ने स्त्रियों का आलिंगन, स्त्रियों के साथ गमन करना, रमण करना ये बताया। तो ये चीज यहाँ पे भी बताया कि कान को प्रिय लगने वाली बातें सुनना, मतलब स्त्रियों की बातें, मीठी मीठी बातें सुनना, यह भी वृष है, शुक्र धातु बनाता है। टेस्टोन लेवल को अच्छा करता है, एंड्रोजन को सिक्रीट करता है, तो उससे पुरुषत्व की प्राप्ति होती है। तो स्त्रियों स्त्रियों का मधुर आवाज है, स्त्रियों की मधुर बातें ये सुनना है। उसी तरह से स्पर्श से सुख की प्राप्ति हो, त्वचा को बहुत अच्छा प्राप्त हो, ऐसी स्त्रियां जो चांदनी रात में रहे और ललाट में सिंदूर लगाई हुई, जो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, नव यौवना स्त्री हैं, जो एकदम यंग लड़कियां हैं वो, फिर कर्ण मनोहर गीत गाने भी वैसे रोमांटिक रोमांस वाले, उससे भी शुक्र धातु अच्छा बनता है। फिर तांबुल भक्षण, मतलब पान का पत्ता और गुलकंद और कुछ कुछ ऐसे चीज डालना है जो जर्दा और टोबैको से रहित हो, जो मीठा पान रहता है उसका भक्षण करना, ये भी शुक्र बढ़ाता है। फिर मदिरापन, जो सत्व गुणात्मक मदिरा रहती है वह लेना है। फिर पुष्प माला का धारण करना, फिर मनमोहक सुगंधित द्रव्य परफ्यूम लगाना, फिर अनेक प्रकार के सुंदर रूप उपवन में भ्रमण करना, बहुत बाग बगीचे में भ्रमण करना, आघात से रहित प्रसन्न मन, एकदम माइंड एकदम फ्रेश रहना, ये सभी वाजीकरण है। आहारात्मक बता दिया उन्होंने, पौष्टिक आहार बता दिया, विहारात्मक इन्होंने ही बता दिया, स्त्रियों का गमन करना, स्त्रियों के साथ रहना, ये शुक्र धातु और बढ़ा देता है। जो लोग स्त्रियों से दूर रहते हैं वो लोग का शुक्र जो है वह ऊर्ध्वगामी हो जाता है, मतलब वो उतना वाजीकर नहीं रहता है। स्त्रियों के साथ रहना ही, स्त्री ही वृषतमा ऐसे बताया, स्त्री के साथ रहना ही शुक्र धातु को बढ़ाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज बता दिया है कि आपको अष्ट मैथुन से दूर रहना है, लेकिन हम लोग जब चिकित्सा के पर्पज से यूज कर रहे हैं तो उसी चीज को बोला है कि उसी का नियम से मर्यादा से उसका ही सेवन करना है। ये इन लोगों की खासियत है, आचार्य लोगों की। इसके बाद में कुछ दूध वाले योग बता रहे हैं कि जो शुक्र बढ़ाता है। तो वाजीकर पायसम बता रहे हैं कि गवाम विरुद्ध वत्सा नाम सिद्धम पयसी वाजसम तथा गोधूम चूर्णम च सिदा मधु घृतान्वितम मुक्त हरिषति जीर्णोपि दशधारान व्रजत्यपि। मतलब बड़े बछड़े वाली जो गाय है, जो उसका दूध आ रहा है फ्रेश दूध, उससे सिद्ध किया हुआ खीर बनाना है, वह खाने के लिए देना है, तो ये वृषतम है। और जो आप दवाइयां दे रहे हैं, जैसे कि शतावरी दे रहे हैं, मुसली दे रहे हैं, अश्वगंधा दे रहे हैं, कपी कच्छू का बीज दे रहे हैं, मनमत रस दे रहे हैं, कामिनी विद्रावण रस, शुक्रवल्लभ रस, शुक्र मातृका वटी, स्वर्ण मकर ध्वज, यह उसी गाय के दूध के साथ देना चाहिए जिसके बछड़े बड़े हैं और दूध अच्छा आता है, क्योंकि सद्य शुक्र करम पया,
जो पेय है, दूध है, वह शुक्र कर होता है, इसलिए गाय का दूध सुबह शाम उसको देना चाहिए। उसी तरह से मधु और शर्करा और घृत से गेहूं का चूर्ण या गेहूं की रोटी जो है वह भी वृष है, शुक्र धातु बढ़ाती है। इन सबको प्राप्त करने से जो ये वृद्ध पुरुष है वह भी मैथुन करने की शक्ति को प्राप्त कर देता है, और उसको 10 स्त्रियों के साथ रमण करने में, मतलब 10 स्त्रियों के साथ भी वह जाएगा तो उसको सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से कुछ श्रीखंड बताएं, जैसे बता रहे हैं कि दही लेना है, शर्करा डालना है, मधु डालना है, इलायची डालना है, और दही का जैसे श्रीखंड बनाया जाता है, शुंठी डालना है, लवंग डालना है, और वह श्रीखंड अगर खाया जाए तो वह भी शुक्र धातु को अच्छा करता है। इसी तरह से कुछ शतावर आदि चूर्ण बताए हैं, शतावरी ले लिया, नागबला ले लिया, विदारीकन ले लिया, फिर गोक्षुर ले लिया, फिर आंवले का सूखा फल ले लिया, इनको सब प्रमाण में लेकर मधु और घृत के साथ विषम मात्रा में लेकर उसका सेवन कराए तो यह भी शुक्र बढ़ाता है और हर तरह के नपुंसकता को दूर करता है। उसी तरह से मुसल्ली आदि चूर्ण बताए, मुसली युक्त चूर्ण बताए, सफेद मुसली का चूर्ण लेना है, तालीम खाना 2 भाग लेना है, गोक्षुर लेना है, इसका चूर्ण बना के दूध के साथ इसको पका के शीरपाक विधि से इसका सेवन कराने से तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर एक वानर गुटिका बताया है, वानर गुटिका जो रहता है वह वानर के हिसाब से, वानर जो रहता है मैथुन करने से कभी थकता नहीं है, बंदर जो रहता है मंकीज, तो इसलिए बता रहे हैं वानरी गुटिका, और मार्केट में भी मिलता है वानरी गुटिका, उसमें बता रहे हैं कि कपी कच्छू का बीज लेना है, गाय का दूध लेना है, और वह कपी कच्छू और केवल गाय का दूध दिया और ड्राई फ्रूट दिया उससे भी शुक्र धातु अच्छा हो जाता है। इसी तरह से बस्तांडादि घृत, बस्तांडा का प्रयोग करना है तो बकरा का जो अंडकोश है उसको दूध में डालकर पका देना है, और उसको वो दूध से तिल को सिद्ध करना है, उसको भावित करना है, और फिर तिल का जितना रहेगा उतना वायु का प्रकोप करने का सामर्थ्य हो जाएगा, तो इसीलिए बकरा का अंडा को उससे सिद्ध किया हुआ दूध है उसको तिल में डाल के फिर उसको सिद्ध करना है और फिर वह दूध पीने के लिए देना है, तो यह और उसमें तिल नहीं खाना है, केवल तिल को पका के सिद्ध किया हुआ बकरे का अंडा और तिल, ऐसा जो दूध है वह अगर पिया जाए तो वह भी शुक्र धातु को अच्छा कर देता है। उसी तरह से बकरे के अंडकोश में उसको घी में, टेस्टिकल जो बकरे का रहता है मिल जाता है, उसमें घी में पकाकर पिपली चूर डालना है, सेंधा नमक डाल के, और घी है दूध नहीं है, तो बकरे का अंडकोश को घी में पकाकर थोड़ा नमक डालना है, पिपली मूल डाल के उसका सेवन करना है, उससे भी शुक्र धातु बहुत अच्छा बनता है। इसी तरह से शतावरी है, गोक्षुर है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा है, नागबला है, श्वेत मुसली है, इन सबको घी और शर्करा के साथ मिलाकर हलवा टाइप बना के उसका सेवन करने से भी शुक्र धातु अच्छा होता है। इसी तरह से विदारीकंद का चूर्ण है, जो गुलर है, उदुम्बर का फल है, उसको समान प्रमाण में लेकर घृत मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से भी शुक्र धातु अच्छा हो जाता है। इसी तरह से शर्करा लेना है, चीनी लेना है, मधु लेना है, घृत लेना है, और प्याज का रस लेना है, जो पलांडू है वो बहुत ज्यादा शुक्र धातु को बढ़ाता है, वृष बताए, उसको सब मिलाकर शर्करा, मधु, घृत और पलांडू, इन सबको मिलाकर पीने के लिए देना है तो दूध के साथ देना है, तो इससे मनुष्य में काम शक्ति बढ़ती है, काम की इच्छा बढ़ती है, जो लॉस ऑफ लिबिडो के पेशेंट है उनको ये चीज देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से गोक्षुर का चूर्ण बकरी के दूध में पकाकर और उसको ठंडा करके फिर शहद के साथ और चीनी के साथ देना चाहिए, इससे भी शुक्र धातु बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से अमृत भल्लात का आंवले बताए, वह भी बहुत अच्छा काम करते हैं, रति वृद्धि कर मोदक बताए हैं, केशर पाक बताया है, केशर से बनाया हुआ पुग पाक बताया है, रति वल्लभ पुग पाक बताया है, कामेश्वर मोदक है, फिर दावाम्र पाक है, बहुत सारे योग हैं, उस पर हम लोग अगले लेक्चर में, चंद्रोदय रस है, स्वर्ण मकर ध्वज है, उस पर हम लोग अगले लेक्चर पे और चर्चा करेंगे। मुझे पहले तो नपुंसकता जो रहती है उसका टाइप बताना था, और हमें किस किस को ये वाजीकरण योग बता देना चाहिए वह मुझे बताना था, बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी मैं आप लोगों के जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है, हमें इंटरेक्टिव सेशन भी करना है, और अभी मैं आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर भी देना चाहता हूँ। मैं कैसा पढ़ाता हूँ उसके बारे में कृपया आप लोग बताइए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग अपने प्रैक्टिस को, मेल इनफर्टिलिटी को अच्छा करिए, और आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। आप लोग इस पे और रिसर्च करें कि आप लोग और क्या क्या चीज़ दें ताकि आपको और फायदा हो। डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम, तो मुझे क्षमा करिए, मैं जो फेसबुक लाइव है उससे जो मुझे अवेलेबल है मैं वही पढ़ा सकता हूँ। डॉक्टर विजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चौधरी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर
ये बोल रहे हैं सर वॉइस इज नॉट क्लियर, तो आप रिकॉर्डिंग वाला सुन लीजिएगा। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बलराज सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं कि डायबिटीज पेशेंट में वीकनेस हो तो डेली शीरबला तेल की मात्रा से दे सकते हैं क्योंकि तो डीएम में अनुवासन बस्ती निषेध है। आपका बात सही है, वीकनेस ड्यू टू डायबिटीज ऐसा भी रहता है, इस पर मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं नो वॉइस। अभी मैंने तो वॉइस बढ़ा दिया है, अभी मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है साधन आप लोग तक अपनी बात पहुँचाने का वह मैंने पूरी तरह से ओपन करके रखा है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर जी एक महिला रोगी आयु 35 है, उसको हाइपोथायरायडिज्म है बल्कि यूट्रस से शरीर में कहीं भी अग्निदमन से दब जाता है, इसका आप ना कृपया इसमें आइए इंटरेक्टिव सेशन में आइए तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुधा शर्मा जी बोल रहे हैं कि हाउ मेनी डेज डू मात्रा बस्ती इन ऑलिगोस्पर्मिया विद एजिथोस्पर्मिया एस्थेनोस्पर्मिया मेडिसिन ऑफ फॉर हाई पीएच ऑफ सीमेन। इसमें आपको ना 3 से 6 महीना तक मात्रा बस्ती देना चाहिए और फिर एक एक महीने के बाद क्या इंप्रूवमेंट है वो चेक करना चाहिए। किसी किसी को 9 महीने या 1.5 साल भी लग जाते हैं पूरा ठीक होने में। डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जोगिंदर चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। कृपया आप लोग बताइए कि आप लोग मुझसे और क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं वो टॉपिक पे और इम्प्रूव करके लाऊंगा। ये मेल इनफर्टिलिटी पे मुझे और भी बहुत सारा चीज़ बताना है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर चरिता मूर्ति मूर्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कुछ योगों का किडनी कुछ रोगियों में किडनी डायलिसिस करें उनके लिए क्या करना चाहिए, भाषा में वर्णित योग बताएं वो बिल्कुल सही है अथवा कोई और योग बताएं। आपका बात सही है, किडनी डिजीज पर भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा, आप थोड़ा इंतजार करिए। अभी हम लोग एक एक व्याधि पे हम लोग ले रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी पे डिमांड आई थी उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा बता पाऊँ, और भी हम लोग और डिस्कशन करने वाले हैं। सुधा शर्मा जी को मैंने आंसर दे दिया है कि 3 महीना 6 महीना 9 महीना या 1.5 साल इतना इलाज करने से सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो अभी का मैं लेक्चर बंद करता हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने क्लिनिक जाना है और इंटरेक्टिव सेशन में आना भी है, तो मैं अपना नंबर देता हूँ आप लोगों को। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, आप लोगों का चिकित्सा परफेक्ट हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा बस परफेक्ट हो। डॉक्टर अरविंद पाठक चाहता है कि आप लोग का चिकित्सा अच्छा हो, आप लोग का नाम हो, और इसीलिए मैं आप लोग का मार्केटिंग करने के लिए आया हूँ, आप लोग की चिकित्सा अच्छा हो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ना एक मिनट अपना नंबर देता हूँ, आप लोग आइए मुझे व्हाट्सअप करिए, अगर कुछ भी आप लोग को डिफिकल्टी आ रही है तो उस पर कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन का मैं आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को वहाँ पर इंटरेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, सारा फ्री में सेशन होता है। आईडी और पासवर्ड अभी दिया जा रहा है, आप लोग देखिए, आप लोग क्योंकि श्रेष्ठ चिकित्सक हैं तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ, मैं 19 ईयर से प्रैक्टिशनर हूँ तो मुझे आप लोगों को भी बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर बनाना है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को जो भी डिफिकल्टी आती है आप लोग कृपया पूछिए। डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं नो वॉइस, ऐसा उनका कंप्लेंट है। अभी फेसबुक लाइव का ही मुझे परमिशन मिला है तो मैं वही कर पाऊंगा, जब मुझे जूम दिया जाएगा तो आप लोगों को मैं वहां पे बुला दूंगा। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि थायराइड पे लेक्चर देने की कृपा करें। डॉक्टर नीलम जी बोल रहे हैं संभाषा कैन आई ब्रिंग माई पेशेंट कैन आई गिव जूम एंड पासवर्ड। 100% आप नीलम जी अपने पेशेंट को लाइए और मैंने जो पासवर्ड आईडी दिया है उसमें आप कर दीजिए। विन्यासा जी बोल रहे हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्लास लेंगे, मैं लूंगा अगले अगला जो होगा, क्योंकि जैसे गायनेकोलॉजी होता है और उसका लेक्चर होता है वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए पूरा वर्ष देना पड़ता है, इसलिए मेल इनफर्टिलिटी केवल 1 घंटे के लेक्चर में नहीं होगा, इस पे स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा। जितना स्त्रियों का रोग रहता है और उस पे हम लोग अभ्यास करते हैं उतना ही मेल इनफर्टिलिटी पे भी हमें अभ्यास करना चाहिए। मैं एनाटॉमिकली भी बताऊंगा, फिजियोलॉजिकली भी बताऊंगा, पैथोलॉजिकली भी क्या डिफेक्ट होते हैं उस पर भी मैं धीरे स्टेप बाय स्टेप करूंगा, और ये हम हर संडे संडे को इसी टाइम पे 7 से 8 के बीच में हम लोग करेंगे। तो अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद इंटरेक्टिव सेशन में। आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोग आइए 8 बजे मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।